हम लोग गुरुदेव के दर्शन की ओर आगे बढ़ रहे थे और गुरुदेव ने पूरे संघ पर रोक लगा दी, कोई भी संघ यहां पर नहीं आएगा। लेकिन हमारे पूज्य निर्यापक मुनि समता सागर महाराज जी, उनका मन बहुत द्रवित हो रहा था और उन्होंने हम लोगों से कहा कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा तो आ चुकी है लेकिन अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और हम लोग छुई घटान तक आकर के बैठ गए। अब यहां पर बैठे बैठे 7 दिन हो गया। अचानक एक दिन हमारे निष्कम सागर महाराज जी रात को 10 बजे आए, बोले महाराज जी दरवाजा खोलो। हम बोले क्या हो गया? बोले आचार्य जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसा हमने वीडियो में देखा आज की, तो अपन कल सुबह यहां से निकलेंगे। हम बोले ठीक है, बड़े महाराज जी से पूछ लेंगे। बोले हाँ, बड़े महाराज जी से पूछ करके अपन सवेरे यहां से विहार करेंगे। पूज्य बड़े महाराज जी ने भी बैठ करके निर्णय लिया कि आज्ञा तो नहीं है भैया, क्या करें, चलो अपन लोग डोगड़गढ़ शहर के मंदिर में जाकर के बैठ जाएंगे। अब आज्ञा नहीं है तो चूंकि संघ की परंपरा हमारी आज्ञा प्रधानी है, गुरुदेव हमेशा उस शिष्य को ज्यादा चाहते हैं जो गुरुदेव की आज्ञा का अंशतः पालन करते हैं। हम लोग वहां से विहार करके इस ओर बढ़े और जैसे ही डूंगरगढ़ में प्रवेश हुआ, पूज्य योग सागर जी का संकेत आया कि आप लोग रात्रि विश्राम क्षेत्र में कर लें। हम लोग डायरेक्ट वहां पहुंच रहे थे लेकिन उनके आदेश के अनुसार हम लोग यहां रुके, आहार करके पुनः हम लोग गुरुदेव के दर्शन की ओर आगे बढ़े। वहां पर पहुंच करके जैसे ही हम लोग गुरुदेव के दर्शन करते हैं दोपहर को समाई के बाद में, तो मैंने वंदना करने के उपरांत पूज्य गुरुदेव से कहा, हमने लोग गुरुदेव पूज्य संता सागर महाराज जी आप सत्संग आपके दर्शन करने के लिए आए हुए, आप आशीर्वाद दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आचार्य महाराज उठ गए, लेटे हुए थे, उठ करके जैसे कोई धूप में देखता है ना, ऐसे ऐसे करके हमारे पूज्य महाराज को देखने लगे, संघ को देखने लगे और पुनः देख करके लेट गए। हम लोगों ने निवेदन किया, गुरुदेव आज आप आहार पर नहीं उठे हैं, चलिए आहार पर शुद्धि कर लीजिए, थोड़ा सा जो भी आपको औषधि जल वगैरह लेना है ले लेंगे। आचार्य जी के शब्द थे वहां पर, अभी नहीं। मैंने मात्र इतने ही शब्द गुरुदेव के वहां पर सुने थे, आचार्य जी ने कहा अभी नहीं बस, और हाथ को पलटा दिया। और उस दिन भी आचार्य महाराज ने बुद्धिपूर्वक उपवास ले लिया अपने आप में, क्योंकि जब पूज्य चंद्रप्रभु सागर महाराज जी से हमारी थोड़ी सी वार्ता हुई, चर्चा हुई, तो चंद्रप्रभु महाराज जी ने बोला कि जब हम लोग डोंगरगढ़ में थे तो आचार्य महाराज ने उनसे कहा एक दिन बुला करके, क्योंकि हमारे चंद्रप्रभु महाराज जी बहुत तपस्वी महाराज हैं, उनका एक आहार एक उपवास चलता रहता है हमेशा, तो महाराज को बुला करके आचार्य श्री कहते हैं कि देखो चंद्रप्रभु महाराज जी, आप छपक के कमरे में नहीं सोया करें। आचार्य श्री अपने आप को क्या कह रहे हैं? छपक कह रहे हैं। छपक किसे कहते हैं? जो संलेखना को स्वीकार कर लेता है उसे छपक कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। बोले महाराज जी क्यों नहीं सोएंगे हम आपके कमरे में? बोले देखो जो छपक होता है उनके कमरे में मजबूत महाराज चाहिए, कौन चाहिए, और आप एक आहार एक उपवास करते हैं इसलिए आप कमजोर हैं और कमजोर महाराज को कभी भी व्यंतर पकड़ सकते हैं। हंस करके आचार्य महाराज ने ऐसा उनसे कहा। अब हमारे पूज्य चंद्रप्रभु सागर जी सतर्क हो गए, क्योंकि आचार्य जो होते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। आचार्य महाराज ने जब अपने आप को छपक कहा तो हमारे चंद्रप्रभु महाराज जी सतर्क होकर के और थोड़ा सा गौर से उनकी चर्या देखने लगे। हम आप पूरा विश्व ये समझता था कि आचार्य महाराज बीमार हैं और बीमारी ने आचार्य महाराज को कमजोर बना दिया। नहीं, ये हम आपकी भूल है सबसे बड़ी। आचार्य महाराज कहीं से भी कमजोर नहीं थे। बीमारियां रोग तो जो था तो था, क्योंकि वही रोग साधु के लिए परिसह में रखा गया है और वही परिसह साधु की कर्म निर्जरा का कारण हुआ करता है। आचार्य महाराज अपने शरीर से पूरी तरह से अवगत थे, वो अपने शरीर की स्थिति को पूरी तरह से जान रहे थे और हमारे पूज्य चंद्र प्रभु सागर भी सतर्क हो गए थे। हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से आचार्य महाराज जी ने मुझसे ये कहा है कि मैं छपक हूं और छपक के पास में मजबूत महाराज होना चाहिए, उस दिन से उन्होंने उपवास का त्याग कर दिया था। एक आहार एक उपवास करने वाले साधु ने उपवास का त्याग कर दिया और उनकी परिचर्या को बड़े ध्यान से देखने लगे और उन्होंने कहा
कि आचार्य श्री ने बिल्कुल क्रम से संलेखना ली है। आगम में जो संलेखना का क्रम आता है उसी क्रम से आचार्य महाराज ने धीरे धीरे, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज दुनिया को संलेखना कराने वाले हैं और उन्होंने जीवन में सतलेखन ही तो किया है। और क्या किया है, जिन्होंने जीवन में सतलेखन किया है उनको संलेखना लेनी नहीं पड़ती है, उनकी संलेखना तो अपने आप हो जाती है। लेकिन फिर भी आगम के अनुसार हमारे आचार्य महाराज बहुत सतर्क थे और उन्होंने क्रम क्रम से उस औषधि आहार आदि को कम किया। हमारे महाराज बता रहे थे जब वह आहार करते तो वह आहार में जाते और उनकी उस आहार की क्रिया को गिनते थे कि आचार्य महाराज ने आज कितने अंजलि क्या लिया, और उनको यह स्पष्ट हो रहा था कि प्रतिदिन आचार्य महाराज उस क्रम को घटा रहे थे, कम करते जा रहे थे और अंत के आखिरी दिन में मात्र एक दो अंजलि जल औषधि लेकर के बैठ गए। जब आयुर्वेद के डॉक्टर स्वप्निल जी थे उन्होंने कहा आचार्य श्री आज आपने बहुत कम लिया, बोला जितना लेना था मैंने अपने हिसाब से ले लिया। दूसरे दिन आचार्य महाराज ने उपवास ग्रहण कर लिया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि कई लोगों की ये भ्रांतियां हैं कि आचार्य श्री होश में नहीं थे। मैं उन सभी को यह विदित करना चाहता हूं आचार्य श्री पूरी तरह से होश हवास में थे, पूरी तरह से। इतनी चेतना आचार्य महाराज की कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग के सामने भले उन्होंने कुछ बोला नहीं, एक दिन घटना गजब हो गई। हमारे पूज्य श्री संता सागर महाराज जी ने बोला सुबह सुबह आचार्य श्री ठंड लग रही क्या, आचार्य श्री ने सिर हिला दिया। आचार्य श्री गर्मी लग रही क्या, आचार्य श्री ने सिर हिला दिया। आचार्य श्री वेदना हो रही क्या, हाथ जोड़ लिए मस्तक पर रख करके सिर हिला दिया। गजब की बात है, इतने बड़े आचार्य इतने सजग। दूसरे दिन की बात है हम लोग जब 16 तारीख को पहुंचे उस दिन आचार्य श्री दो बार उठ करके बैठे अपने से और बैठ करके अपने हाथों से घुटने को पकड़ लिया और सुचिंतन की मुद्रा में 5 मिनट तक बैठे रहे आचार्य श्री। हमने बोला देखो तो अभी भी इतनी शक्ति है आचार्य महाराज के पास में, वो बैठ रहे हैं। मैंने देखा जैसे करवट लेते थे पिछी को और हाथ करते थे, हमने बोला अभी भी इनकी पिछी हाथ से छूट नहीं रही है। इतनी जागरूकता, हाथों में इतनी शक्ति थी आचार्य महाराज के, मैंने देखा कि वो पिछी पकड़ते थे हाथों से। गजब हो गया, भले ही वो परिमार्जन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मुट्ठी से पकड़ लेते। हम लोग बोलते जैसे हम लोग परिमार्जन कर रहे हैं, आप विकल्प ना करें। और परिमार्जन करके ही आचार्य से करवट लेते थे। हम लोगों ने एक बार सोचा थोड़ा सा कि एक तखत गड़ रहा होगा आचार्य से को, तो एक नैपकिन रख दी। आचार्य से ने एक हाथ से नैपकिन को अलग कर दिया, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हम लोगों को यही कहा कि यह सब चीज का प्रयोग नहीं करना है। सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखा, हाथ के बल ऐसे अपने ही लेटे रहते थे आचार्य से। गजब की चर्या थी। दूसरे दिन की बात है, सुबह हुई आहार चर्या का समय हुआ, हम लोगों ने पुनः आचार्य श्री से कहा आचार्य श्री आज कुछ ले लीजिए, कल आपने उपवास कर लिया था, आपका कल उपवास था आज पारणा कर लीजिए। पूरा संघ मौजूद था, प्रसाद सागर महाराज जी थे, पूज्य योग सागर जी थे, संत सब सभी महाराज वहां पर खड़े हुए थे। मैंने बोला आचार्य श्री आज कोई औषधि नहीं देंगे आपको, मात्र आप थोड़ा सा जल ले लेंगे। इतना मैंने कहा और आचार्य श्री मुस्कुरा दिए। योग सागर महाराज जी कहते हैं महासागर जी मैं इतने दिन आया आज तक आचार्य श्री की मुस्कुराहट नहीं देखी और आपके इस निवेदन से आचार्य श्री मुस्कुरा रहे हैं, गजब हो गया। और मुस्कुरा करके आचार्य श्री ने हाथ हिला दिया ऐसे और बोला आज भी मेरा उपवास है। इशारे से उन्होंने उपवास की घोषणा कर दी। मैं दंग रह गया, शुद्धि के लिए निवेदन किया, हाथ आगे करके धुलवाना चाहा, हाथ पीछे खींच लिए और सिर से बोला नहीं कुछ नहीं करो। आचार्य श्री लेटे रहे, हम लोग आचार्य श्री को योगी भक्ति सुना रहे थे। आचार्य श्री को योगी भक्ति हिंदी की बहुत पसंद थी, आचार्य श्री बड़े ध्यान से योगी भक्ति सुन रहे थे। फिर हमने बोला आचार्य श्री आपको समय सार बहुत प्रिय था, और आचार्य श्री ने हम लोग को क्या पूरे संघ को पुण्य पाप से लेकर निर्जराधिकार तक की 100 गाथाएं याद करने के लिए कही थी। हम लोगों ने याद भी की और आचार्य श्री को उसका पाठ सुनाया मैंने बैठ करके। आचार्य श्री ने बड़ी समता भाव से पाठ सुना। आचार्य श्री को समाधि तंत्र बहुत प्रिय था, आचार्य श्री को इष्टोपदेश बहुत प्रिय था। ये सब अध्यात्म के ग्रंथ हैं पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी के, उनका वाचन भी उनका मैंने स्वाध्याय आचार्य श्री कराया। बड़े समता भाव से सुनते रहे आचार्य श्री इन ग्रंथों को, बड़े एकाग्र से सुनते रहे।
एक पल भी उन्होंने हिला नहीं, कुछ नहीं किया, बस एक करवट से सुनते रहे, मैं सुनाता रहा उन्हें। ऐसी चेतना मेरे गुरुदेव की जागृत थी। दोपहर को बहने आ गईं और कहने लगी, महाराज जी ये बड़े बाबा का गंदोदक लेकर के आए हैं, आप आचार्य श्री के माथे पर लगा दो। पूज्यवर संत सागर महाराज जी ने उस गंदोदक को लेकर के आचार्य श्री के माथे पे लगाया, घी का गंदोदक था। और आचार्य श्री से कहते हमारे महाराज जी आचार्य श्री जी, आप तो बड़े बाबा की कितनी बार जय बोलते थे, जितने भी प्रवचन होते थे बड़े बाबा की जय के बिना आपके प्रवचन चालू नहीं होते थे, आज बड़े बाबा की जय नहीं बोल रहे आप। महाराज जी ने जय बुलवाई। हमारे संत सागर महाराज जी ने कहा, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य ने दोनों हाथ उठा लिए, बोले जय, दोनों हाथ उठाए, पूरा संघ खड़ा हुआ है। इतनी चेतना गुरुदेव की जागृत थी। किन्हीं कारणों से आचार्य जी का क्षेत्र परिवर्तन कराया गया, ये सभी को विदित है। कई बार महाराज जी बोल चुके हैं कि जब भी आचार्य जी का स्वास्थ्य खराब होता था तो उनका क्षेत्र परिवर्तन कराया जाता था, और स्वास्थ्य लाभ को लेकर के जो उपस्थित महाराज थे, जो संघ था, उन्होंने गुरुदेव का क्षेत्र परिवर्तन कराया। लेकिन जब वहां लाभ नहीं मिला तो हम लोगों ने पुनः चंद्रगिरी में आने का निर्णय लिया, और आचार्य श्री को जैसे ही चंद्रगिरी में लाकर विराजमान करते हैं और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करें, आप चंद्रगिरी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। जैसे इतना कहा, आचार्य श्री पुनः गर्दन उठा करके दीवानों का अवलोकन करते हैं और ऐसे लेट जाते हैं और कहते ठीक है। पुनः पूरा दिन धर्म ध्यान से बीतता रहा। अचानक रात को थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा, 10 बजे की बात है, थोड़ा सा उनको पित्त का प्रकोप जो अंदर था बाहर आया, और पित्त का प्रकोप आते ही हमने पूछ संता सागर जी को, प्रसाद सागर जी को बुलाया, सबको, योग सागर जी को, हमें वहीं बैठा हुआ था, और हमारे निस्सीम सागर जी और निरामय सागर जी वहीं पर बैठे हुए थे, समाइक कर रहे थे। हमने बोला, महाराज आचार्य जी को सर्दी हो गई क्या, लगता है नाक से सुरसुर की आवाज आ रही है। हम लोग काम करो, पतला कपड़ा नाक में डाल करके थोड़ा सा उसको निकाल देते हैं, और जैसे ही पतला कपड़ा नाक के अंदर डाला तो उसमें से पित्त का लालपन आने लगा। हमने बोला, महाराज लगता है नाक में से पित्त आ रहा है, तो अपन नाक को पूरी साफ कर दें ताकि पित्त सूखे ना, जमे ना, और श्वास लेने में कुछ दिक्कत ना जाए। इतनी क्रिया की, स्वास्थ्य और बिगड़ा, संग उपस्थित हो गया, और मैंने पुनः गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आप जागृत तो हैं, क्योंकि आप जब कभी भी किसी की संलेखना करवाते थे तो आप उस छपक से ओम ओम कहलवाते थे, क्योंकि उस समय णमोकार मंत्र का उच्चारण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सबसे छोटा अगर कोई मंत्र है तो ओम, ओम में पंच परमेष्टि पूरे समाहित हो जाते हैं। आचार्य श्री ने जब मेरे उस बात को सुना और सुनकर के उन्होंने जवाब दिया कि मैं जागृत हूं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि आचार्य श्री को होश नहीं था, नहीं, कहने वालों को होश नहीं है, मेरे गुरुदेव को तो पूरा होश था, कहने वालों को होश नहीं है, हम उनकी परिचर्या में थे। और सही बात तो यह है, गुरुदेव को हम लोगों की भी आवश्यकता नहीं थी, हम लोगों की भी आवश्यकता गुरुदेव की नहीं थी, गुरुदेव तो अपने आप में स्वयं सक्षम थे अपनी संलेखना में, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें संबोधन की आवश्यकता नहीं थी। यह तो हमारी एक भूल है, यह तो हमारा एक सौभाग्य है कि हमें उनकी परिचर्या करने का अवसर मिला, लेकिन गुरुदेव स्वयं में सावधान थे। अंत समय तक गुरुदेव का जो उपयोग था वह अपने आप में स्थिर था, पंच परमेष्ठी में स्थिर था। एक समय भी गुरुदेव को हमने बिल्कुल भी किसी भी हालत में विक्षेप होते नहीं देखा। अंत अंत तक गुरुदेव अपनी आत्मा में रमण करते थे, कुंद कुंद की गाथाओं का वह मनन करते थे, चिंतन करते थे, अपने आप में स्वस्थ थे। ऐसे गुरुदेव की परिचर्या करने का लाभ हम सभी को मिला। गुरुदेव ने क्यों रोक दिया सभी को, बहुत सारे प्रश्न आज सबके सामने खड़े हो रहे हैं, उन सभी का उत्तर आप लोगों को मिल चुका है, और बहुत सारे प्रश्न आप लोग जो कर रहे हैं संघ संबंधित, उनका उत्तर भी आपको मिलेगा। आप ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता ना करें, हां हमारे संघ की चिंता आप ना करें, क्योंकि हमारे संघ की चिंता स्वयं हमारे गुरुदेव ने की है। इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े आगम के ज्ञाता, जिनको देख करके लोग आगम कहते थे, वो स्वयं अपने आप में आगम हैं थे,
और रहेंगे और उस आगम की चर्या करने वाले संघ की व्यवस्था करके जाते हैं। हर कुछ उन्होंने व्यवस्थित किया है, सभी प्रकार से आगम में जो एक आचार्य के लिए कर्तव्य रूप कहा जाता है उस कर्तव्य को आचार्य महाराज ने बखूबी निभाया है। कहीं भी आचार्य महाराज ने उस कर्तव्य को छोड़ा नहीं है। अब यह बात अलग है कि आप उनके निर्देशन का पालन ना करें तो यह आपकी कनिष्ठता कहलाएगी, ये आपका दुर्भाग्य कहलाएगा। इसीलिए गुरुदेव की स्थिति शुरू से लेकर अंत तक सजग थी। गुरुदेव स्वयं में सावधान थे और उन्होंने स्वयं को छपक के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने क्रम से अपनी संलेखना की है। इसलिए ऐसे आचार्य महाराज की संलेखना को लेकर के कोई भी शंका प्रश्न आदि नहीं करना चाहिए। उनकी चर्या के साक्षी हम लोग तो थे ही थे, लेकिन साथ में देव भी थे। आप लोगों को पता नहीं कितने देव आए। ये मनुष्य सोचते होंगे कि भगवान का डोला हमने उठाया गुरुदेव का, नहीं, वहां पर इतनी भीड़ थी और डोला में हाथ लगाने वाले एक नहीं थे, असंख्यात देव थे। हमने देखा उस भीड़ में कि कौन डोला पकड़े हुए है, कोई को कोई सुध नहीं है, सारी जनता मात्र हाथ लगाने की होड़ कर रही गुरुदेव के डोले में हम हाथ लगा लें। हाँ, और उस अव्यवस्थित अवस्था में अगर देखा जाता तो डोला कभी भी पलट सकता था, लेकिन देवों ने आकर के उस डोले को थामा है और गुरुदेव हवा में विहार करके गए। जैसे पानी की लहरें आती जाती है ना, वैसे गुरुदेव का डोला कहीं यहां जाए, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए। कोई व्यवस्थित करने वाला नहीं था मनुष्यों में, यह व्यवस्था अंत समय में भी देवों ने आकर के संभाली। गुरुदेव ने पहले समझ लिया था कि भैया अगर मैं पहले से घोषणा करता, अभी तो ये हाल है जब बिना घोषणा के यह डोला कैसे अधर में डोल रहा है, और अगर घोषणा कर देता तो चंद्रगिरी का पूरा डोंगरगढ़ का शहर जन सैलाब से भर जाता, यहां पैर रखने की जगह क्षेत्र तो क्या, डोंगरगढ़ में पैर रखने की जगह नहीं होती, और उस अव्यवस्था का दोष मेरे गुरुदेव को लगता। लेकिन मेरे गुरुदेव अपने जीवन में कभी कोई दोष लगाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं उस अव्यवस्था का अंत में हमें दोष लग जाएगा। इतने सजग हमारे गुरुदेव अपने आप में रह करके और उस आत्मा की साधना करते हुए इस संसार को सब कुछ देकर के गए हैं। भगवान महावीर की परंपरा के बाद में हम देखते हैं बहुत सारे पूर्वाचार्य हुए हैं और उन पूर्वाचार्यों की वंदना हमारे गुरुदेव ने स्वयं की है। कुंदकुंद महाराज से लेकर के समंतभद्र स्वामी महाराज तक जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं उन्होंने जैन धर्म की महती प्रभावना की है। लेकिन मैं उन पूर्वाचार्यों का कुछ अभिनय नहीं करना चाहता हूं। उन पूर्वाचार्यों ने जैन धर्म की महती प्रभावना की है और उन पूर्वाचार्यों को मेरे गुरुदेव भी वंदन करते थे और मैं भी उनकी वंदना करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन मेरे गुरुदेव की प्रभावना उन पूर्वाचार्यों से कहीं अधिक थी। उन पूर्वाचार्यों ने तो मात्र जैन धर्म की प्रभावना की है, मात्र धर्म के बारे में सोचा है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जन जन के बारे में सोचा है। आज गुरुदेव के इस कर्तृत्व को कोई भुला नहीं पाएगा, चाहे वह जीव दया का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रतिभा स्थली का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी आयुर्वेद संबंधी पूर्ण आयु का क्षेत्र हो, चाहे वह जैन धर्म की प्रभावना संबंधित इन जिनालियों के निर्माण का प्रसंग हो, चाहे वह हथकरघा का प्रसंग हो, चाहे वह पूर्ण मैत्री का प्रसंग हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र आचार्य जी का इस भारतवर्ष में अछूता नहीं रहा जिसके बारे में गुरुदेव ने सोचा ही ना हो। हाँ, प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर हाँ अनुशासन क्षेत्र खुलवाए, अनुशासन संस्था खुलवाई आचार्य ने। जब कुंडलपुर में आचार्य महाराज के पास में गृह मंत्री आए अमित शाह जी, तो उन्होंने सोचा होगा ये जैन धर्म के आचार्य हैं, जैन धर्म की चर्चा करेंगे। लेकिन आचार्य महाराज ने उनसे धर्म की चर्चा नहीं की, बल्कि राष्ट्र के बारे में विचार करते रहे, हिंदी भाषा के बारे में बोलते रहे, हथकरघा के बारे में बोलते रहे, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते रहे, भारत की शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते रहे। आधे घंटे के लिए आया वह होम मिनिस्टर, हां, कितने 3 घंटे तक बैठा रहा।
गृह मंत्री कितने घंटे तक बैठा रहा, कितना व्यस्त कार्यक्रम, भारत का गृह मंत्री आधे घंटे के लिए आया और अंत में क्या कह के जाता है, मैं तो सोचा था कि आचार्य धर्म की चर्चा करेंगे लेकिन मैंने आज तक ऐसे आचार्य नहीं देखे। इन्होंने धर्म की कोई चर्चा नहीं की, इनका सारा चिंतन राष्ट्र के विकास का था। हां यहां तो छोड़ो, मूक दया के क्षेत्र में कोई बात नहीं, लेकिन उन अपराधियों के बारे में भी हमारे गुरुदेव ने कितना सोचा। देखो तो तिहाड़ जेल के अंदर जहां खूंखार कैदी रहते हैं उनके लिए हथकरघा खुलवा करके उन्हें आजीविका दे दी, जाओ तुम भी स्वस्थ हो, तुम भी उस अपराध का परित्याग करके धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो। क्या सोच थी आचार्य भगवान की, कोई भी इतनी विस्तृत सोच वाला इस कलिकाल में हो नहीं सकता है। ऐसे ही जन जन के कल्याण की भावना करने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। गुरुदेव ने अपने चिंतन में कहा कई बार, तत्वार सूत्र की वाचना के दौरान गुरुदेव कहते थे कि तत्वार सूत्र के अनुसार आज भी परिणामों को जन कल्याण की भावना में लगा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया जा सकता है। सिद्धांत में हालांकि केवली दुगंते यह शब्द आ जाता है, केवली के सुत केवली के पाद मूल में ही जन कल्याण की भावना करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, लेकिन पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में इसके स्वामी की कोई व्याख्या नहीं की और उस व्याख्या के चिंतन को लेकर के आचार्य महाराज ने कई बार कहा कि आज भी उन भावनाओं से ओतप्रोत होकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद हम कर सकते हैं। गुरुदेव की भावना हमेशा देखी हम लोगों ने, उन्होंने कभी भी किसी का प्रतिकार नहीं किया, कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं किया, कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। हर परिस्थितियों में वे सकारात्मक सोच रखते थे, कोई भी घटना होती उनके ऊपर होती चाहे दूसरे के ऊपर होती, मात्र वे कर्म का उदय कह करके छोड़ देते। क्या कहते, कर्म का उदय है, क्या कर सकता हूं, मैंने कुछ किया होगा, मैंने किसी का कुछ किया होगा, क्योंकि कर्म कभी भी किसी भी के साथ में मैत्री नहीं करता है, कभी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता है। कर्म तो कर्म हुआ करता है और कर्म कर्ता का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है, कर्म कर्ता का अनुसरण करता है, कर्ता जैसे परिणाम करता है कर्म उसको उसके अनुसार फल देता है। मेरे गुरुदेव ने कभी आज तक किसी की प्रतिकार की भावना नहीं रखी, कभी किसी के अहित की भावना नहीं रखी, जीवन भर उन्होंने जन कल्याण की जनहित की भावना रखी। अंत अंत तक उन्होंने विहार करते हुए जब आ रहे थे तो रास्ते में रायपुर पड़ा, वहां का भी कल्याण किया, पाषाण मंदिर का आशीर्वाद दिया, रास्ते में राजनाथ गांव पड़ा, चंद्रकांत जी वहां के हैं, वहां पर भी उसी निमित्त को लेकर के गए, यहां पर भी आए। देखो आप लोग थोड़ा सोचो चिंतन करो, जब तक गुरुदेव के पैरों में शक्ति थी प्रतिदिन आशीर्वाद देने बाहर आए, आए कि नहीं आए, रोज का वीडियो आप देखते थे, हम भी देखते थे। अब बताओ इनसे बड़ा करुणा का दया का धारी कौन हो सकता है संसार में। ऐसे गुरुदेव की सजगता के बारे में आप लोग बिल्कुल भी विकल्प ना करें, हमारे गुरुदेव हम पूरा संग साक्षी है और हम लोग के सामने अंतिम चेतना तक उन्होंने ओंकार का उच्चारण किया और उसी के उपरांत उनके प्राणांत हुए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु। भारतवर्ष क्या विश्व महावीर स्वामी के इतिहास में आज तक ऐसी गुरु परंपरा देखी है, लेकिन जितनी प्रभावना मेरे गुरु ने की है उतनी प्रभावना पूर्वाचार्यों के माध्यम से आज तक हम नहीं कह सकते कि हुई है। जैन धर्म की प्रभावना तो पूर्वाचार्यों के माध्यम से हुई है, लेकिन जो विश्व आज उन्हें याद कर रहा है और जितने क्षेत्रों में आचार्य महाराज ने विकास किया है भारतवर्ष में और जितने लोगों का कल्याण किया है उतना कल्याण आज तक किसी भी जीव के माध्यम से नहीं हुआ है। ये वो महान आत्मा थी जो भटकते हुए हम पापियों का, हम पामरों का कल्याण करने के लिए इस कलिकाल में आई, और धन्य है वे आत्मा जिन्होंने ऐसी आत्मा का सानिध्य पाकर के इनके चरणों में अपने समर्पण को करते हुए अपना कल्याण किया। क्योंकि अब जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम नहीं कह पाएंगे कि भाग्यशाली हैं कि नहीं, लेकिन जो रहते हुए सानिध्य पा गए वे अवश्य भाग्यशाली हैं। हाँ, और ऐसे जो चरणों से गुरुदेव के जुड़ा रहेगा तो आगामी काल में, आगामी भाव में वो भी गुरुदेव के समर्पण में अवश्य जगह पाएगा ही पाएगा, इतना ही पर्याप्त समझता हूं। हाँ 25 फरवरी को
यहां पर विनयांजलि होगी और भारतवर्ष क्या विश्व में जहां जहां भी जैन समाज है सभी अपने अपने नगर ग्रामों में जो समय यहां से निर्धारित किया जाएगा, हाँ किसी भी समय कर सकते हो, उस समय में आप लोग गुरुदेव को विनयांजलि देंगे और जो जो जिस जिस नगर में जिस जिस ग्राम में विनयांजलि दी जाएगी सभी वहां पर एक छोटी सी क्लिप बना करके व्हाट्सएप में वायरल करेंगे और उसमें हाँ विद्यासागर जी डॉट गुरु में आप डालेंगे उसकी जो वो है साइट है उसमें सभी जितने भी नगर में विनयांजलि दी जाएगी सभी एक क्लिप बना करके आचार्य श्री के नाम से और विद्यासागर डॉट गुरु में डाल करके उसे आप सेव करेंगे ताकि यह इतिहास हमारे यहां रहे।